मेरा नाम नमिता शर्मा है, मैं हिमाचल फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मिसेज इंडिया का जो हिमाचल चैप्टर है उसको हम देख रहे हैं और यहाँ से मिसेज इंडिया के लिए हमारी फाइनलिस्ट कल्पना ठाकुर हैं और उन्हीं के कॉज के लिए, उनके नोबल कॉज के लिए हम सोलन से मनाली आए हैं। उनका जो कॉज है वो गो ग्रीन है एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल कॉज, प्रकृति से रिलेटेड, जिसकी गोद में हम बैठे हुए हैं, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं इस प्रकृति के, उसके उस नोबल कॉज के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं चाहती हूँ कि कल्पना जो है वो इंडिया में तो उन्होंने अपना नाम रोशन किया ही है, वो इंटरनेशनली भी अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें और मनाली का नाम रोशन करें जो कि इतनी खूबसूरत जगह है। इस नोबल कॉज के लिए मैं चाहती हूँ एक मैसेज जो कि पूरी दुनिया में जाए, बहुत खूबसूरत मैसेज है। जैसी प्रकृति होती है, जिस तरह की खूबसूरत नाजुक प्रकृति होती है, थोड़ा सा आपको गाकर सुनाना चाहती हूँ। निकलता है सूरज तो ऐसे संभल कर के, नाजुक सी कलियाँ न रह जाए जल कर। निकलता है सूरज तो ऐसे संभल कर के, नाजुक सी कलियाँ न रह जाए जल कर। है मध्यम सा संगीत भी नदियों का, कहीं टूट जाए न सपने मचल कर। सिया बादलों का आँखों में काजल, ये मेरा हिमाचल, ये मेरा हिमाचल, ये मेरा हिमाचल, ये मेरा हिमाचल। देखिए हिमाचल कितना खूबसूरत है, मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया ऐसी खूबसूरत हो जाए, हमारा शायद देश पूरा खूबसूरत हो जाए, कि जहाँ सूरज भी निकलने से पहले ये सोचे कि कहीं कोई कली जो है वो मुझसे डैमेज ना हो जाए। देखिए कवि ने कितना सुंदर लिखा है, बस मैं यही चाहती हूँ, हर प्रकृति से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो इतनी खूबसूरत हो जाए और हम उसे सहेज कर रख पाएँ। और उसके लिए कल्पना का जो कॉज है गो ग्रीन, आई थिंक इससे बेहतर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। थैंक यू।